मैं वही सरपंच म्योली से बोल रहा हूँ जो कि हमारा गांव में आज 18 तारीख को एक महापंचायत हुई है जिसमें हमने गौकसी पे रोक लगाने का प्रतिबंध लगा दिया है और जुआ पे, सट्टे पे, सेशन पे, शराब पे सारा मौजीजान गांव के ने ये पूरा गांव इकट्ठा होके हमने अंकुश लगाया है। हमें सरकार से मदद चाहिए, हम एसपी को से मदद मांगना चाहते हैं और एसपी का शुक्रिया अदा करते हैं कि एक अभियान चलाया है एसपी साहब ने कि हर गांव में गौकसी रोकी जाए और ऐसा गलत काम ना हो। जबकि कुछ तत्व हैं उनको भी हमने बुला के सबको समझा दिया है कि हमारे गांव म्योली में कोई गौकसी नहीं होगी, कोई सट्टा नहीं होगा, कोई जुआ नहीं होगा, कोई शराब नहीं पिएगा और जो इस पर नहीं मानेगा हम सरकार के साथ रहेंगे, सरकार हमारा साथ देवे और हम उसका खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे, सरकार हमारा पूरा साथ देवे। एसपी साहब का हम धन्यवाद करते हैं और सारी सरकार का और मनोहर लाल खट्टर जी का भी हम धन्यवाद करते हैं। इस बारे में सबका सहयोग है, मैं वही सरपंच बोल रहा हूँ म्योली से। आइए आप सरपंच खड़ो, कोई बात नहीं, दो चार आदमी बोल पड़ो, चार बात कह दे, कोई बात नहीं, बारी बारी सबको फोटो जाएंगे। मैं याकूब एक्स सरपंच याकूब बोल रहा हूँ म्योली से। हमारा जो गांव की पंचायत हुई है महापंचायत गांव की नंगड़ान सर सुंदा, तो हमने अपनी पंचायत में ये रखी है कि हमारा गांव में ना जुआ होएगा, ना सट्टा होएगा, ना दारू बिकेगी और ना गौकसी होएगी। जो कोई यह काम करेगा अब सख्त कार्रवाई करी जाएगी और हमारी प्रशासन पूरी से पूरी मदद करे और हम अपने गांव की पूरी परंपरा उन्हें भांग। खड़ो भाई, खड़ो जा रहे हो ना यार, जिला पार्षद आ जा रहे हैं ना, कमाल की बात हो गई ना, पीछे खिंचो चल सरपंच इदरीस। मैं अपना नाम लियो, मैं एक सरपंच इदरीस बोल रहा हूँ। आज हमारे गांव में सारे गांव की पंचायत हुई जिसमें हमने ये फैसला लिया है ना तो गांव में गौकसी होएगी, ना सट्टा होएगा, ना शराबबाजी, और हुए तो हम सरकार से जो है मदद मांगेगा और सरकार हमें मदद। पागल मत हो करो यार, पूरा काम खट्टा हो रहा है, हम काम के गए ले हाँ, और ये बुरा काम है सबन ने या चौधरी म्योली के चौधरी रोकने चाहे है, हम सरकार की मदद मांगने चाहे। हाँ चौधरी बोल, मैं चौधरी नवाब बोल रहा हूँ, खड़ो खड़ो, देखो जी हम गांव के कुकर रहा, ये चौधरी नवाब बोल रहा है हमारे गांव की तरफ से, हम गांव की कुकर रहा, गौकसी सत्तो जुआ बिल्कुल ना होंगी, ये सारा काम रोका जा रहा है सारा गांव की सरकार से मदद चाहिए, सरकार जिम्मेदार है। इधर को दस खड़ो, कोई बात नहीं। हाँ जी, मैं जुहू देवड़ी से बोल रहा हूँ। हमने अपनी पंचायत करी है और ये कट लगा लो है, कोई गौकसी हो देगा ना कहीं जुआ खेल देगा, शराब पी देगा, और हम इसका हम सरकार से मदद मांगे। इस दादा की उम्र 95 साल है, 95 साल का बुजुर्ग है जो पंचायत में पंचायत की सदस्य कर रहे हैं, इसकी रूबरी ये पंचायत हो रही है। बोल दे ना, मैं जिला पार्षद बोल रहा हूँ, मैं पूर्व पार्षद जफरुद्दीन मेवली। हमने दारू और गौकसी और सट्टा जुआ सब का अंकुश लगाया है, सारी बिरादरी ने, सारा गांव इकट्ठा होकर के पूरी महापंचायत इकट्ठी करिए पूरे गांव की और जो है कि हम अपने एसपी साहब के और जो है खट्टर साहब का सबका धन्यवाद करते हैं, इस पे जो है कि ये मुहिम चलाई है और हम इस बात का सारा समर्थन करते हैं।
हाथ उठा दे, हम इसका समर्थन करते हैं। छोटी बेवली हम इसका नहीं होने देंगे। छोटी बेवली चारों गांव को। हां जी, मैं छोटी बेवली खुद से बोल रहा हूं जी, उमर मोहम्मद। जो भी हमारी पंचायत हुई है सभी बुजुर्गों ने सबने भाग लिया है, और गौ कसी सट्टा जो भी मतलब भी काम है गलत उनको रोका जाएगा, और प्रशासन की हमें जो पड़ेगी आप हमारे सहयोग साथ देना पड़ेगा। आ जाओ जाके बोलो और आ जाओ। ये अब्दुल्ला एक बार ना बोले कम से कम दाढ़ी वाला बंदा पूछ रख सके। तगड़ो साथ में तो यार तुम इन मुचान पे करवा रहा पागल है, खड़े हो जाके। मैं अब्दुल्ला बोल रहा हूँ, क्या करके ले आया थी साहब? गांव मेवली से हमारा गांव में पंचायत हुई है कि गौकसी जुआ सट्टा को हर बुराई पे मतलब रोक लगा दी। हाँ। और हम एसपी साहब आपसे मदद चाहा। ठीक है, एक बार हाथ और खड़ा करे सारा, चारों घाल घूमे गो, चारों घाल घूम जाएगा, सब हाथ खड़ा कर दो, हमने रोक लगा दी है इसमें। हर बार चारों घाल घुमा ले धीरे धीरे, हाथ उठा ले सब, जब पता लग जाएगी। मैं जो दिन गांव मेवली से, हमारे गांव में एक सरपंच, मौजूद सरपंच और उससे पहले वाला प्लान का सरपंच, इधरी सरपंच हमारे याकूब सरपंच, और गांव के मौजूद जो ठोंडा है हमारे 90 साल के हमारे दादा जोहरू, उनके बीच में और गांव के कुछ लोग और मौजूद हैं, और कुछ बच्चे भी हैं, औरत भी हैं, सब ने हमारे गांव ने ये बहुत बड़ा संज्ञान लिया है महापंचायत के साथ। हमारे गांव में ना कोई बुराई होगी, गौ पसी की रोक, जुआ की रोक, सट्टा की रोक, और भी कोई गलत काम हम नहीं होने देंगे अपने गाँव में। हमारे जो फिलहाल के सरपंच है बहुत जोर जोर से ये महापंचायत की है, और इसका हम संज्ञान लेते हैं। हमारे गांव में कोई बुराई नहीं होगी, और हम पूरा गांव सरपंच के साथ है और प्रशासन के साथ है, और हमें प्रशासन से एक रिक्वेस्ट है, हमारे सरपंच का साथ दे और हम प्रशासन के साथ हैं। जो आदमी गलत काम करेगा सरपंच के साथ पूरा गांव साथ रहेगा, और जो सरपंच कहेगा उसके साथ में हम सब मिलकर चलेंगे, और ये पंचायत का हमारा पूरा जोर जोर से निर्णय लिया है, और प्रशासन का हमें पूरा सपोर्ट चाहिए, और सरपंच का जो कहने पे काम होगा वो सारा सही होगा, और हम सरपंच के साथ है, और प्रशासन से रिक्वेस्ट है सरपंच की बात को संज्ञान से ले और जोर जोर से ले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गांव में की तरफ से। इसमें छोटे नंगड़ा का भी कुछ मौजूद आदमी हैं, सबने बहुत हौसला से ये निर्णय लिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोबाइल पहुँचानी है आपने, फोटो करवाना, फोटो कर लो।